क्या आपको पता है धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में होने वाले बदलावों के बारे में? अगर पता है तो कोई ना, अगर नहीं पता है तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और आपको पता चल जाए कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में होने वाले क्या क्या बदलाव हुए हैं उनके बारे में पूरा पता चल जाए। पहले जम्मू कश्मीर में एक विशेष अधिकार हुआ होता था, लेकिन अब वहाँ पर कोई भी विशेष अधिकार नहीं है। पहले दोहरी नागरिकता होती थी, लेकिन अभी जब 370 हटी है तब से एकल नागरिकता है। जम्मू कश्मीर के लिए झंडा अलग हुआ करता था, लेकिन अब तिरंगा ही वहाँ पर राष्ट्र ध्वज है। पुलिस व्यवस्था राज्य के अधीन थी, लेकिन पुलिस व्यवस्था अभी केंद्र के अधीन है। आर्टिकल 360 आर्थिक आपातकाल लागू नहीं था पहले, अब आर्टिकल 360 लागू है। अल्पसंख्यकों को कोई भी आरक्षण नहीं था, लेकिन अभी अल्पसंख्यक आरक्षण के योग्य है। राज्य के दूसरे राज्यों के लोग जम्मू कश्मीर में ज़मीन या कोई भी प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, लेकिन अभी प्रेजेंट में कश्मीर में ज़मीन एवं प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। आरटीआई लागू नहीं था पहले, लेकिन अभी आरटीआई लागू है। विधानसभा का कार्यकाल 6 साल के लिए था, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। पंचायती राज लागू नहीं था पहले, लेकिन अभी प्रेजेंट में जम्मू कश्मीर में पंचायती राज लागू हो सकेंगे। तो आपको कैसा लगी ये जानकारी? अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो शेयर करें।